राज्य में नकली दवाएं सप्लाई करने के मुख्य आरोपी मोहित बंसल को लेकर हिमाचल प्रदेश की टीम शुक्रवार को आगरा पहुंची। यहां दवा बाजार फवारे में सील किए गए स्टोर पर दवाओं की जांच की जा रही है। दवा बाजार में टीम के आने से खलबली मची है। हिमाचल प्रदेश के बद्री में ताजनगरी के मोहित बंसल के गोदाम से भारी मात्रा में दवाएं जब्त की गई थी। संदिग्ध दवाओं के साथ पकड़ा गया मोहित बंसल आगरा के कमला नगर में रामकुंज कॉलोनी में रहता है। हिमाचल की टीम ड्रग इंस्पेक्टर नवनीत यादव की टीम के साथ शुक्रवार को आगरा आई। इसके बाद फुब्बारा दवा बाजार में उसके MH फार्मा स्टोर पहुँची। इस स्टोर को स्थानीय औषधि विभाग ने सील कर दिया था। 3 दिन पहले जो सूचना मिली थी मुख्यालय से कि नकली दवाइयों का एक गाड़ी जो है हिमाचल बैरियर पे पकड़ी गई है और वो व्यक्ति मोहित बंसल आगरा का है, उसी समय इनकी दुकान जो आगरा स्थित है उसको सील कर दिया गया था मेरे द्वारा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की आज संयुक्त टीम औषध निरीक्षकों की आई है यहाँ पर, तो इनकी दुकान की अब जाँच की जा रही है। दुकान सील थी और इसको खोल के जाँच कर रहे हैं। इनकी जो फैक्ट्री वहाँ पे अवैध तरीके से पकड़ी गई है, ये दवाइयाँ भी अवैध तरीके से बना रहे थे, वो दवाइयाँ यहाँ पे कुछ मिली हैं, वो प्रोडक्ट मिले हैं, उनको सीज कर रहे हैं, नमूने ले रहे हैं। टीम आगरा स्थित मोहित बंसल की फर्म में रखी दवाओं की जांच करने आई है। बताया गया है कि आरोपी मोहित बंसल अपनी फर्म से 11 राज्यों में नकली दवाएं सप्लाई कर रहा था। दवा बाजार में चर्चा है कि MH मेडिकल स्टोर से पूर्व में ही माल हटा दिया गया है। कई ऑटो में माल को यहां से भरकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, वो बैच और वो दवाइयाँ मिली है, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सीज करेंगे और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसमें कार्रवाई होगी। अभी सीज कर रहे हैं, नमूने ले रहे हैं। कितने पैमाने पर ये दवाइयाँ पकड़ी गई हैं? 3 प्रोडक्ट हैं जो अभी यहाँ पे मिले हैं, उसके अलावा भी बैच नंबर हैं, उन पे उनके भी नमूने ले रहे हैं। लगभग कितनी दवाइयाँ होंगी, मतलब खेप कितनी होगी? अभी तो कार्रवाई चल रही है। मोहित ने बद्री में फैक्ट्री और गोदाम बना रखा था, वहां से कार से दवाएं आगरा लेकर आता था। MH फार्मा के नाम से बिल बनवाकर ब्रांडेड कंपनियों की संदिग्ध दवा सप्लाई करता था। आगरा के औषधि विभाग के अधिकारियों की सतर्कता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय औषधि विभाग को उसके इस कारोबार की भनक तक नहीं लगी। मोहित बंसल के साथ इस कारोबार में यहाँ दवा बाजार के दवा कारोबारी और हॉकर भी शामिल बताए गए हैं। आज से 4-5 दिन पहले हिमाचल बद्री में आगरा के मोहित बंसल को क्रेटा गाड़ी में कुछ दवाइयों के साथ पकड़ा था। तो दवाइयाँ जांच होने के बाद कुछ नकली संदिग्ध हुई, उसी बिहाफ पे आज मोहित बंसल को आगरा लेके आए हैं। उसकी फर्म MH फार्मा को खुलवाया गया है और वहाँ जांच चल रही है, जिसमें लोकल अथॉरिटीज़ और हिमाचल के ड्रग इंस्पेक्टर सब लोग पूरी संयुक्त टीम काम कर रही है। एसोसिएशन का क्या कहना है, एसोसिएशन का क्या रुख रहेगा? एसोसिएशन का ये है कि अभी जांच चल रही है, जांच कर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर एसोसिएशन ये कुछ गलत पाया जाता है तो एसोसिएशन ऐसे गलत लोगों का कभी साथ देती नहीं है और न देगी। आपके चैनल के माध्यम से अपने दवा व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग अर्ली मनिंग, जिसके लिए कहते हैं ना कि आसान पैसा कमाने की राह पे जो गलत कार्य कर रहे हैं, उन सबसे बचना चाहिए। ये आगरा के लिए समझ दवा व्यापारियों के लिए बड़ा ही बदनुमा दाग है कि जब भी कोई कहीं से भी कोई जांच आती है, कहीं से भी कोई मुकदमा लिखा जाता है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की नकली दवाई पकड़ी जाती है, उसके तार आगरा से जुड़े जाते हैं, तो हमारे लिए शर्मनाक है। हिमाचल में पता चला, हिमाचल में एक बद्दी है, बद्दी में कोई फैक्ट्री किराए पर लेके नकली दवा का कारोबार किया जाता है, जिसमें आगरा के व्यापारी संलिप्त हैं। बद्री में मोहित बंसल के गोदाम से 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की दवाएं जब्त की गईं। इन दवाओं को हिमाचल प्रदेश दवा नियंत्रक विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया। इसके बाद मोहित बंसल को रिमांड पर लिया तो उसने बताया कि बंद पड़ी फैक्ट्री को उसने किसी से खरीदा था और जिला उद्योग केंद्र से अपने नाम करवा लिया था। इसके बाद दवा निर्माण की मशीनें खरीदी। अधिक मुनाफा कमाने के लिए पिछले कुछ दिन से वह ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं बनाकर सप्लाई कर रहा था। कच्चा माल और पैकिंग का सामान वह उत्तराखंड राज्य से खरीद कर रहा था और देश के विभिन्न प्रांतों में दवाओं की सप्लाई कर रहा था। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।